अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी, शादियों का सीज़न शुरू हो गया है और यहाँ मैं भी एक शादी में जा रही थी, तो यहाँ मेरी और आलिया दोनों की ड्रेस निकली हुई है। तो उसके बाद में ये इयररिंग मैंने निकाले थे अपने लिए, ये कड़े, और आलिया अपनी ज्वेलरी, अपनी चूड़ियाँ खुद ही निकालती है, तो उसने भी साथ में निकाल के रख दी थी। तो मैं जो है एक साथ दो शादियों का आप लोगों को व्लॉग दिखाऊंगी। जो मैंने थोड़ा थोड़ा सा क्लिप बनाया है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। पहली शादी है दिन की, जहाँ मैं अपनी मेरी बहन की ससुराल में थी शादी, हम लोग वहाँ जा रहे थे। और देखिए, मैं और आलिया यहाँ फटाफट तैयार हो रहे थे। तो आलिया जो है, आलिया को मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक है, और वो उसे लाइनर और मस्कारा लगाने का तो बहुत ज़्यादा शौक है। वो कुछ मेकअप करे ना करे, लेकिन लाइनर और मस्कारा वो ज़रूर लगाती है। जब वो बहुत छोटी थी तब से उसको लाइनर का बहुत शौक है, तो वो अपना मेकअप खुद ही करती है। जब हम इतने बड़े थे तो हमें अंदाज़ ही नहीं था कि मेकअप कैसे किया जाता है, क्या होता है मेकअप, लेकिन आजकल के बच्चों को सभी कुछ पता रहता है। तो अगर कुछ ज़्यादा या कम लगता है तो मैं आलिया के जो है उसे ठीक ज़रूर कर देती हूँ, नहीं तो वो खुद ही अपना मेकअप करती है। जो भी थोड़ा बहुत उसको आता है वो अपने आप मैनेज करती है, कहती है आप तैयार होइए, मैं खुद तैयार हो जाऊँगी। तो बस यहाँ मैं और आलिया जो है वो मेकअप कर रहे थे और शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। और आलिया फाइनली जो है तैयार हो गए थे। आधा घंटा तो लगता ही है मेकअप करने में। तो उसके बाद में तैयार होके हम लोग जा रहे थे शादी वाली जगह पे। तो बस निकल गए थे हम लोग और पहुंच गए थे शादी हॉल, जहाँ पे शादी थी। आज जो था वलीमा था वहाँ पे, तो काफ़ी सारे लोग और सभी बड़े अच्छे लग रहे थे। और ये हैं दूल्हा और दुल्हन। दुल्हन तो इतनी ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा। वो नज़रें ऊपर कर ही नहीं रही थी, मैंने बहुत कहा तब उसने थोड़ी सी नज़र ऊपर की। और यहाँ ये मेरी बहन और मेरी भाभी हैं, वो आलिया के साथ में जो है थोड़ा मस्ती कर रही हैं। और खाना वाना खाने के बाद में हम लोग जो हैं वो आराम से अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि दिन था तो गर्मी बाहर लोगों की भीड़ में अच्छी खासी लग रही थी, इसलिए हम लोग अंदर हॉल के अंदर आ गए थे। तो सब लोग बैठ के यहीं पे अपनी जो कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक था वो इंजॉय कर रहे थे। और ये शाम हो गई थी तो हम सब लोग जो है वो बाहर आ गए थे। और यहाँ मेरी तीनों भाभियाँ हैं, मेरी भांजी है यहाँ पे, और मैं हूँ। तो बस यहाँ पे हम सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और फिर से सब लोगों ने, शादी है तो खाना पीना तो चलता ही रहता है, तो लास्ट तक जो है वो कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक का जो ग्लास है वो हाथ से गया नहीं था। आइए मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी बहुत प्यारी दोस्त से। ये है मेरी दोस्त और ये हॉस्टल में मेरे साथ ही रहती थी लखनऊ में जब हम लोग रहते थे, और ये उसकी बेटी है। दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे गरारे में, बहुत प्यारे लग रहे थे। The next day. और यहाँ पे मैं हो गई थी तैयार अगली शादी में जाने के लिए। ये दूसरे दिन का है जब हमें, ये शाम की शादी थी, हमें जाना था मुरादाबाद। ये शादी मेरे ससुराल की तरफ थी और फाइनली हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। और वहाँ जाने के बाद सबसे पहले मैंने जो है वो मुरादाबादी दाल जो है वो ली, और बहुत ही बढ़िया लगती है मुझे मुरादाबादी दाल। और मैं कहीं भी शादियों में जाती हूँ तो मैं ज़रूर खाती हूँ मुरादाबादी दाल, क्योंकि और मेरी बहुत, सब लोग बड़ी मजाक भी उड़ाते हैं कि तुम जो शादियों में आके भी दाल ही खाती हो, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे मुरादाबादी दाल तो मशहूर भी बहुत ज़्यादा है, तो अच्छी बनी थी बहुत। और इंतज़ाम यहाँ पे बहुत अच्छा था, खाना बहुत बढ़िया था, क्योंकि मुरादाबादी खाना जो है वो वैसे ही काफ़ी मशहूर है। और यहाँ आलिया ने शायद दाल ली थी लेकिन आलिया को पसंद नहीं आई, इसीलिए वो बहुत गंदा सा मुंह बना रही थी। शादी में आए और बताशे ना खाएं, ये तो नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ बताशे खा रहे थे और बताशे का पानी भी बहुत अच्छा था। और यहाँ हम लोग को सबसे अच्छी लगी है फ्रूट सैलेड, जो इतनी बढ़िया थी। और हम लोगों ने आधा पेट तो, शायद मैंने तो इसी से भर लिया था,
खाना तो मैं वैसे भी शादियों में बहुत कम खाती हूँ। आइए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या था। यहाँ जलेबी थी, हलवा था, और ये टिक्की थी, दही भल्ले थे, बताशे, रोटी, और उसके बाद में यहाँ लग रहे थे गर्मा गर्म सीख कबाब जो बहुत ही बढ़िया थे। और उसके बाद में सबसे अच्छी चीज़ मुझे मुरादाबाद की ये लगी, जो यहाँ पे जो इन्होंने जिसमें सर्व कर रखा था खाना बहुत बढ़िया था। ऐसा मतलब मुरादाबादी फील आ रहा था, यहाँ पे आके लग रहा था कि हम मुरादाबाद में ही हैं। तो खाना भी बहुत अच्छा था, हालांकि मैं शादियों में ग्रेवी वाला खाना नहीं खाती हूँ। थोड़ी बहुत बिरयानी ले ली या फिर कुछ जो ड्राई होता है बस मैं वही खाती हूँ। और बिरयानी बहुत बढ़िया थी, बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। मुरादाबाद की बिरयानी तो वैसे भी काफ़ी मशहूर है। तो बस सब लोगों के साथ में, यहाँ मेरी सारी नंदे बैठी हुई थी और उनके साथ में हम लोग जो है अपना थोड़ी सी बातें कर रहे थे, और बस पूरी शादी में हम लोगों ने किया क्या, खाना पीना ही खाया। खाना खाने के बाद हम लोग अंदर आ गए थे जहाँ पे लगी हुई थी बरी, जो लड़के वालों की तरफ से आया था सामान, वो सारा यहाँ पे लगा दिया गया था लोगों को दिखाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा था सारा सामान और सभी चीज़ बहुत अच्छी थी। उसके बाद में जो है वो यहाँ आलिया और उसकी फुप्पी जो है वो बैठी हुई थी। हमारी बाजी को जो है वो आइसक्रीम बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा शौक है उन्हें आइसक्रीम का। वो ज़रूर आइसक्रीम खाती हैं, वो आइसक्रीम को कभी भी मतलब मना नहीं करती हैं। उनसे कहो तो वो कहती हैं हाँ मैं आइसक्रीम ज़रूर खाऊंगी, उन्हें बहुत शौक है। और आलिया को कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा शौक है। और उसके बाद में काफ़ी टाइम हो गया था और अब हम लोग जा रहे थे वापस घर। तो शादी काफ़ी अच्छी थी, सभी लोगों ने बड़ा इंजॉय किया। मेरे साथ मेरी भाभी और ये बड़ी वाली नंद आई हुई थी। तो बस अब हम लोग घर जा रहे थे और यहीं पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।